वेलकम टू रिक्कीज रेसिपीज ब्लेसिंग्स ऑफ माय पापा। आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट मावा मोदक। इसके लिए हम ले रहे हैं एक पैन। इस पैन में कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच घी। घी डालने के बाद इसको हम बहुत हल्का सा गर्म करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो मैं ऐड कर रही हूँ बादाम, सबसे पहले काजू, इन सबको आप बारीक काट लीजिएगा पहले से ही। और अब मैं ऐड करूँगी इसमें पिस्ते। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आप। पिस्ते ये मैंने छिले हुए अनसॉल्टेड पिस्ते लिए हैं, तो इसे भी हम ऐड करेंगे। अब ऐड कर रही हूँ मैं नारियल का चूरा। इन सबको हम बहुत अच्छे से हल्का फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें ओवर कुक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, नहीं तो फिर अच्छा फ्लेवर नहीं आता है। तो हार्डली से हम 30 सेकंड्स ही फ्राई करेंगे। अभी फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें हम मावा ऐड करेंगे। ये मावा भी मैंने फ्रिज से निकाला है, थोड़ा ठंडा है। जैसे जैसे ये गर्म होगा ये इस आपस में मिक्स हो जाएंगे, ड्राई फ्रूट्स और मावा। तो आप इसको 2 से 3 मिनट्स तक मीडियम टू लो फ्लेम पे सेकिएगा। ये सिक चुका है, इसे हम मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। मिक्सिंग बाउल में, ऐसे बाउल में निकालिए जिसमें हम शुगर को आराम से मिक्स कर सकें, मिला सकें। तो ये अब हम इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसमें शुगर ऐड कीजिएगा। मैं 2.5 स्पून शुगर ले रही हूँ क्योंकि मैंने मावा 250 ग्राम्स लिया था। अब इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। प्रॉपरली मिक्स कीजिएगा, नहीं तो शुगर जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो पाती है। मिक्स हो चुका है। अब हम मोदक बनाने का साँचा लेते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है 10 to 15 रुपीज़ में। थोड़ा सा हम घी लेते हैं कटोरी में। अब इस मोदक के साँचे में हम घी लगाएंगे दोनों साइड में। घी लगाने के बाद जो ये हमने मिक्सर रेडी किया है वो हम दोनों साइड में अच्छे से फिल कर देंगे। ये हम भर देते हैं अच्छे से दोनों साइड में। थोड़ा सा चम्मच से इसको दबा दीजिएगा। अब इस हम साँचे को बंद कर देते हैं और थोड़ा प्रेस कर देते हैं। बैक साइड से हम और मिक्सचर ऐड करेंगे जिससे ये टाइट फिल हो जाए और बेस दे सके। ये देखिए रेडी हो चुका है। हम धीरे से इसे खोलेंगे और बहुत अच्छे से धीरे से इसे हम अपने हाथ में निकाल लेते हैं। ये देखिए परफेक्ट मोदक रेडी हो गया है, मावा मोदक। ये बहुत ही डिलीशियस लगते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं और आप गणेश जी को इन्हें अच्छे से चढ़ा सकते हैं भोग में। अब हम बनाने वाले हैं और मोदक इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है। वापस से घी लगाएंगे, वापस से मिक्सचर ऐड कर फिल करेंगे, इसको बंद करेंगे, पीछे से और मिक्सचर को भरेंगे और प्रेस करेंगे, ओपन करेंगे। इसको हम हाथ में ले लेते हैं और ये हमारा मोदक दूसरा भी रेडी है। इसी तरह से हम बाकी के भी मोदक बना लेते हैं, आप भी बना लीजिएगा। तो सारे मोदक बन चुके हैं और आप गणेश जी को चढ़ाइए, भोग लगाइए, खुद भी खाइए और प्रसाद में भी बांटिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना मत भूलिए। मेरी नेक्स्ट रेसिपी आ रही है फ्राइड मोदक।